रिकॉर्ड नहीं करना तो करेगा मैम पास में खड़ी के सर आके भी पे है और बता सकते हैं रिकॉर्डेड हां मेरे को चेक कर भाई ये लगा दिए की भी रिकॉर्ड थी तो मैंने तुम्हारे चरणों में
मुख दी फुलड़ा
पर्यूषण पर्व की पूर्णा होती के ऊपर आज बादर बाबा देखा मीठा मीठक्रम का क्षमा मांगने का जो रीति रिवाज है परंपरा से वो केवल जैन धर्म में ही विशेष रूप से है। वहाँ अपने जो भूतकाल में अनंत काल में भटकते अज्ञान दशा में जो भी हमने जो पाप कर्म किए हैं जो दूसरे जीवों को तकलीफ दी है ज्ञानी पुरुषों की विराधना की हो अपने आत्मस्वरूप की विराधना की हो इन सब की शुद्ध अंतकरण पूर्वक क्षमा मांगने का दिन है। आज अनंत काल के जन्म मरण करते करते जीव बहुत दुखी हुआ है। इसका दो ही कारण है, एक तो कभी भी अपने आत्मा से प्रेम नहीं किया, सारी दुनिया का ठीक ठाक करने गया और खुद को ही दुखी करता रहा। तो सबसे बड़ी क्षमा तो अपने आत्मा से मांगने की। दूसरों का बुरा करते हुए इसने वास्तव में तो अपना ही बहुत बुरा किया। दूसरों का तो बुरा कैसे कर सकता, दूसरों का अगर बुरा हुआ है तो उनके अज्ञान मोह के कारण हुआ है। बाकी दूसरों का बुरा करने से दूसरों का बुरा नहीं होता है। लाभ कोशिश करो लेकिन सामने वाले का पुण्य प्रबल है या उनकी वितराग साधना जबरदस्त है, तो हम चाहने पर भी
सामने वाले का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपना बुरा बहुत हो जाता है। एक गलती तो हमने अपने आत्मस्वरूप की विराधना की। सबसे पहले तो अपने को अपने आत्मा की क्षमा याचना करना है। दूसरा, आत्मदर्शन नहीं होने में सबसे बड़ा कारण है कि ये जीव अनंत काल की जन्म मरण के चक्कर में सच्चे सद्गुरुदेव को कभी नहीं पहचान पाया, और उन्होंने बहुत करुणा से जगाया, फिर भी उनके वचनों की अवहेलना की, उनकी आज्ञा पे नहीं चला। उतना ही नहीं, जो कुगुरु है, जो उल्टे मार्ग पे लेके जाने वाला है, उनकी आराधना की, चुप नहीं बैठा। सही मार्ग तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन उल्टे मार्ग पे चलाने वाले ऐसे एक मिथ्या मार्ग, जो राग द्वेष बढ़ाने वाले मार्ग है, उसकी आराधना की। ये सबसे बड़ा दोष किया उसने। इसीलिए आज के दिन हम हमारे उपकारी परम गुरु, गुरु साधर्मी, इन सब से हम जो भी हमारे से गलती हो गई हो उसके बारे में क्षमा याचना करते हैं। ये जो वितरा की बात या आत्मा की बात भी सद्गुरु के कृपा से ही हमको मिली है। तो यहाँ पर दो समापना है, तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। हे परम कृपाणु सद्गुरु देव, आपकी अनंत कृपा और अनंत अनुग्रह से यह दास आत्मा की बात का श्रवण भी कर सका है। आपकी कृपा के बिना हमारा संसार के प्रति जो रस है वो कम नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अभी भी हमारे बहुत दोष हैं। आपकी दिव्य देशना मिलने के बाद भी अभी भी हम राग और द्वेष के प्रसंगों में, प्रवृत्ति में बहते जा रहे हैं। लेकिन जब तू हमको उतारने के लिए हाजिर हो, इस दास के जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है, जो कुछ भी शांति मिल रही है, ये सब सिर्फ तेरी कृपा और तेरी आशीर्वाद का ही फल है। और जो कुछ भी अयोग्य हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब मेरे ही मंद पुरुषार्थ के कारण होता है। अनंत जन्मों का अंत करने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है, और तेरी वज्र जैवी वाणी है जिनके सुनने के प्रताप से अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तू हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, पर उसकी बदले में आपको चुकाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और तू निष्क्रिय होने से लेने को तैयार भी नहीं है। फिर भी आज तुमको एक चीज़ हम जरूर देंगे। आज के पवित्र दिन में हम तुझे कॉल देते हैं, वादा करते हैं कि तेरे वचन के बल से हम भी अपनी पूर्ण दशा को, परमात्म दशा को अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। ओम शांति शांति शांति। और एक समापना है जो ज्ञान दशा के बाद बोली जाती है। हे परम कृपाणु देव, आपके मिलने से मुझे परमार्थ का दुख तो मिट गया है, मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, लेकिन वितराग पे मार्ग पे आगे बढ़ने की मेरी मंद दशा, उसका दुख मुझे हर दम रहता है। तेरे वचन को, वचन के ऊपर विचार करने से मालूम पड़ता है कि किसी भी प्रकार से मूर्छा योग्य यह देह नहीं है, और देह के कारण जीव दुखी होवे ऐसा भी आत्मा नहीं है। आत्मा को तो अज्ञान और मोह का दुख है, इसके सिवाय और कोई दुख है वो तो देह बुद्धि है। तेरी कृपा से ये बात सुनने मिली, समझने मिली और विचारने मिली है। तदुपरांत देह होने पर भी तेरी ऐहिक दशा हम देख सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसी दशा मिले। इसलिए हे क्रम परम कृपाणु देव, आप हमें देहाती दशा का दान दीजिए, और अज्ञान और मोह के दुखों को दूर करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कराइए, यही भावना है। ओम शांति
क्रांति क्रांति। अभी कैसेट के अंदर अपने दोस्तों का कुछ वर्णन है कैसे चला रहे हैं, और आखिरी में एक समापना और है जो परम कृपा उदय ने दी है, ऐसा एक कार्यक्रम है। तो कैसे चालू कर रहे हैं दिन बंधु दी
Bye.
को कते सफर जग समा अधमारम अधिको कते सफर जग समा दे निश्चय जी नमस्कार।
सबसे पहले भगवान को और आत्मदेव को समापना देना। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की जो कि आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य तत्वों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तमशील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को नहीं पहचाना। हे भगवान, मैं भूल गया। मेरी भूल से ही मैंने भ्रमण किया, रुला और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। कर्म कलम का संग करने से
भाव कर्म से मलिन हूँ। हे विरागी भगवान, आपके बतलाए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। हे प्रभु, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हुआ हूँ, अज्ञान से अंधा हो रहा हूँ, मेरे में विवेक शक्ति नहीं, मैं मूढ़ हो रहा हूँ, मैं निराश्रित अनाथ हूँ। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका और आपके बतलाए हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूँ, मेरा अपराध क्षय हो, मैं सर्व पापों से मुक्त हो जाऊँ, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किए हुए पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूँ, उतना उतना आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हो। ऐसी ही शक्ति मुझ में है, यह भाव आपके द्वारा प्रकाशित है। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे, यही भावना है। हे सर्वज्ञ प्रभु, आपसे मैं विशेष क्या कहूं? आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपके कहे हुए तत्वों की शंका न हो, आपके बतलाए हुए मार्ग में मैं सदा रहूं। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं? आप मेरे सर्व दोषों को जानते हो, मात्र पश्चाताप करके मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूं। ओम शांति शांति शांति। भक्ति का समापन करें। सब लोग खड़े हो जाएं। भक्ति एक समापन, इसके बाद एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद एक दूसरे को मीठा निमंत्रण कर सकते हैं। गुरु देव तारा चरण मा परि परि करूं वंदना। गुरु देव तारा चरण मा परि परि करूं वंदना। स्थापि उपकार मारा हृदय मनंत उपकार मारा हृदय करी कृपा दृष्टि प्रभु मित राख जो तुम चर भावे
याचना कर जो क्षमा सासन जय जय थ
देव जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों अत्यंत क्षय करना एवं वितराग पुरुष नो मूल धर्म मूल मार्ग आप श्रीमदे अनंत कृपा करी मने आप्यो ते अनंत उपकार नो प्रति उपकार वाड़वा हूँ सर्वथा असमर्थ छू वड़ी आप श्रीमद कहीं पण लेवाने सर्वथा निष्प्रिय छो जेथे हूँ मन वचन कायानी एकाग्रता थे आपना चरणार विंद में नमस्कार करूँ छू आपनी परम भक्ति अने वितराग पुरुषना मूल धर्मनी उपासना मारा हृदय ने विषे भव पर्यंत अखंड जागृत रहो एटलो मांगु छू ते सफल थाओ ओम शांति शांति। लोग सब आपस में मिथन मिथन भाई लोग मिथन